नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अमीन लीला। कोविड की लंबी त्रासदी हमने झेली है, फिलहाल उस स्थिति से हम गुजर तो चुके हैं, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। ध्यान रहे, सुरक्षित हम अभी भी नहीं हैं, इसीलिए कोविड से बचाव के सारे नियम अपनाएं और खुद को और दूसरों को कोरोना से जरूर बचाएं। इन्हीं बातों के साथ आइए अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री के निर्देश का त्वरित अमल, संसदीय सचिव ने शैक्षणिक भ्रमण के लिए छात्रों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सरकार की प्राथमिकता, कहा विधायक रेखचन जैन ने। पेयजल आपूर्ति करने के लिए 4 ग्राम पंचायतों में प्रदान किए गए पानी के टैंकर्स। बस्तर के समस्त प्राकृतिक जलकुंडों का होगा संवर्धन, कलेक्टर बंसल। उपजन कुंड की विशालता देख अभिभूत हुए अधिकारी। ग्राम बालिकोंटा सरगीपाल और मार्केल के माता मेला मदई में शामिल हुए संसदीय सचिव की बस्तर के सुख शांति और समृद्धि की कामना। और अबैकस प्रतियोगिता में शहर के ऋत्विक ने जीता चैंपियन ऑफ चैंपियन की ट्रॉफी। मेंटल, अर्थमेटिक और गणित के सवालों को बच्चों ने किया चुटकी में हल। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान दिए गए निर्देशों का जिला प्रशासन के द्वारा त्वरित अमल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के जगदलपुर प्रवास में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के निरीक्षण के दौरान बच्चों से स्वामी आत्मानंद के बारे में जानकारी ली और छात्रों को शैक्षणिक भ्रमण करवाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन करते हुए स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चों को रविवार को शैक्षणिक भ्रमण के लिए नारायणपुर जिला स्थित स्वामी विवेकानंद आश्रम और अन्य स्थल के लिए रवाना किया गया। भ्रमण के लिए जा रहे छात्रों को संसदीय सचिव रेखचंद जैन और CEO जिला पंचायत रोहित व्यास ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के प्राचार्य सहित शिक्षा विभाग के अन्य गणमान्य अधिकारी मौजूद थे। जगदलपुर विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के 4 ग्राम पंचायत आमागुड़ा, ग्राम पंचायत करणपुर के आश्रित ग्राम रामपाल, ग्राम पंचायत गारावंड खुर्द और ग्राम पंचायत हलबा कचोरा में सामाजिक कार्यों के निष्पादन के लिए पानी के टैंकर्स प्रदान किए। गांववासियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होने पर स्थानीय लोगों में हर्ष देखने को मिला। इस अवसर पर विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि हर ग्राम पंचायत में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार वे कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जो क्षेत्र उपेक्षित थे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है और अब आपके ग्राम पंचायत में पानी टैंकर्स उपलब्ध होने से आपके पंचायत में सुख दुख के सामाजिक कार्य निपटाने में आसानी होगी। जिले के 3 अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में 2 की मौत और 8 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में एक महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बेलगाम में एक ट्रैक्टर चालक ने ग्रामीण युवक को रौंद दिया, मौके पर ही युवक की मौत हो गई। वहीं आड़ावाल के पास एक बाइक को कार चालक ने ठोकर मार दी। दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल है। इसी प्रकार गिदम रोड पर ट्रक और कार की भिड़ंत में 7 लोग घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ग्राम अड़ावाल में लापरवाही पूर्वक चलाते हुए कार चालक ने एक मोटरसाइकिल चालक को जबरदस्त ठोकर मार दी। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक का मौके पर ही मौत हो गई। पीछे बैठी महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसे ERB वाहन में लेकर महारानी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दुर्घटना के बाद चालक फरार हो गया है। वहीं दूसरी दुर्घटना नगरनार थाना अंतर्गत ग्राम करणपुर की है। एक ट्रैक्टर चालक ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। इस दुर्घटना में बाइक सवार की मौत हो गई। इसी प्रकार नगर के वृंदावन कॉलोनी निवासी एक युवक के शादी समारोह में शामिल होने आए मेहमान रविवार को तीरथगढ़ घूमने जा रहे थे। इसी दौरान BR कोल्ड स्टोरेज के सामने एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार को ठोकर मार दी। इस हादसे में कार में सवार 6 युवतियों के साथ ही कार का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायलों को बेहतर उपचार के लिए मैकौज में भर्ती किया गया है। पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए विभिन्न सुहागिन महिलाओं ने रविवार और सोमवार को वट सावित्री का व्रत रखकर विधिवत पूजा अर्चना की। वट सावित्री की कथा सुनकर प्रसाद वितरण किया गया। 2 साल कोरोना काल के बाद इस बार सामूहिक रूप से महिलाओं को पूजा करने का मौका मिला है। शहर के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के समक्ष स्थित वट वृक्ष के नीचे रविवार को सरयू पारिन ब्राह्मण समाज की महिलाओं ने भी सामूहिक रूप से वट सावित्री की पूजा अर्चना की। अमावस्या तिथि रविवार दोपहर 2:55 से अगले दिन सोमवार शाम 5 बजे तक रही, इसीलिए कुछ महिलाओं ने रविवार और कुछ ने सोमवार को व्रत रखे। छत्तीसगढ़ प्रदेश के सबसे बड़े उपजन कुंड नेगीगुड़ा सहित
अब बस्तर के समस्त जलकुंडों का संवर्धन होगा ताकि पेयजल और कृषि क्षेत्र में इसका सदुपयोग हो सके। यह बातें रविवार शाम जगदलपुर चित्रकूट मार्ग के समीप प्राकृतिक उपजन कुंड का अवलोकन करने के बाद बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने कही। उपजन कुंड संरक्षण समिति नेगीगुड़ा की मांग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 27 मई को जगदलपुर में इस उपजन कुंड को संरक्षित और संवर्धन करने निर्देशित किया था। जगदलपुर चित्रकूट मार्ग पर स्थित ग्राम कुमरावन में 600 मीटर की दूरी पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक जल कुंड है। यहाँ भूगर्भ का जल लगातार इंद्रावती में समाहित होता है। ये कुंड कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र के अलावा नेगीगुड़ा और कुमरावन के खेतों की प्यास बुझाता आ रहा है। कुंड के चारों तरफ कई सिंचाई पंप स्थापित किए गए हैं। वर्षों पुराना ये उपजन कुंड काफी उपेक्षित था। कुंड के संरक्षण संवर्धन के लिए जल संसाधन विभाग के तत्कालीन मुख्य सचिव गणेश शंकर मिश्रा को पत्र सौंपकर कुंड को संरक्षित करने की अपील की गई थी। इसी तारतम्य में जल संसाधन कार्यालय जगदलपुर द्वारा 2,60,00,000 रुपए की एक कार्य योजना तैयार की गई थी, लेकिन बीते 4 वर्षों में कुंड के संरक्षण की दिशा में कोई कार्य नहीं हो पाया था। शुक्रवार 27 मई को उपजन कुंड संरक्षण समिति नेगीगुड़ा के सदस्यों ने सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलकर उपेक्षित जलकुंड की विस्तृत जानकारी दी थी। संरक्षण समिति द्वारा मांग की गई कि हजारों साल पुराने कुंड को नरवा योजना के तहत व्यवस्थित कर दिया जाए तो ये कुंड जगदलपुर शहर की बड़ी आबादी की भी प्यास बुझा सकता है। इसके लिए कुंड की सफाई, कुंड के चारों तरफ पिचिंग और पर्याप्त विद्युत पोल की मांग की गई। समिति के सदस्यों की बातें सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने बस्तर कलेक्टर रजत बंसल को कुंड के संरक्षण संवर्धन की दिशा में उचित कार्य करने के निर्देश दिए। आदेश के तारतम्य में बस्तर कलेक्टर रजत बंसल जिला पंचायत के अधिकारियों के साथ रविवार शाम उपजन कुंड पहुंचे। हजारों साल पुराने और 7 एकड़ में फैले विशाल उपजन कुंड को देखकर अधिकारी भी अभिभूत हुए। उन्होंने उपजन कुंड संरक्षण समिति के सदस्यों से कुंड में किए जाने वाले कार्यों पर व्यापक चर्चा की। कलेक्टर को बताया गया कि नेगीगुड़ा की तरह ही बस्तर के मधोता, बेतझरन, तोकापाल और चपका जैसे स्थानों में भी ऐसे कई उपजन कुंड हैं जहां का पानी भी व्यर्थ बह रहा है। कलेक्टर ने जिला पंचायत के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में ऐसे जितने भी उपजन कुंड हैं सबकी एक बड़ी कार्य योजना तैयार करें ताकि इस जल से पीने के अलावा किसानों के खेतों की प्यास भी बुझ सके। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर जिले के अंतर्गत लंबित पेंशन प्रकरण तैयार करते समय सॉफ्टवेयर में आ रही कठिनाइयों के निराकरण के लिए संभागीय संयुक्त कोष लेखा और पेंशन बस्तर संभाग द्वारा 6 और 7 जून को प्रशिक्षण कार्यक्रम और विशेष पेंशन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। विकासखंड बास्तानार, बकावन, लोहडीगुड़ा, दरभा, तोकापाल और बस्तर के अधीनस्थ DDO के लिए प्रशिक्षण 6 जून को दिन के 11 बजे, पेंशन शिविर दोपहर 2 बजे से और विकासखंड जगदलपुर के अधीनस्थ DDO के लिए पेंशन शिविर 7 जून सुबह 10 बजे और दोपहर 3 बजे से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कलेक्ट्रेट कार्यालय के प्रेरणा हॉल में किया गया है। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आगे खबरें और भी हैं, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहेगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा, कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी कमी और खामी, खूबसूरत नजारे, अब होगी हर बात हमारे साथ। बस्तर की बात,
देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर से आपका स्वागत है, आई लौटते हैं खबरों की ओर। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने ग्राम पंचायत बालीकोंटा, सरगीपाल और मार्केल के माता मेला और मंडई में शामिल हुए, साथ ही हिंगलाजिन माता, जलनी माता, परदेसिन माता की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ बस्तर की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर विधायक श्री जैन ने कहा कि बस्तर की आस्था के केंद्र माता गुड़ियों के जीर्णोद्धार और संरक्षण के लिए लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्य कर रहे हैं और इसके लिए मांग अनुरूप बस्तर आदिवासी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की मद और जिला खनिज न्यास निधि से राशि स्वीकृत की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज माता के आशीर्वाद से ही बस्तर में वामपंथ हिंसा पर काबू पाकर बस्तर पुनः विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। तोकापाल स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में दिनों समर कैंप आयोजित किया जा रहा है। समर कैंप में काफी संख्या में विद्यार्थी पहुंच रहे हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। विभिन्न आयोजनों के माध्यम से बच्चों में छिपी प्रतिभा को निखारने का प्रयास शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है। चित्रकला, मेहंदी लगाओ, पुस्तक पठन, कविता, खेलकूद के माध्यम से बच्चों को स्कूल से जुड़े रहने का प्रयास किया जा रहा है। शाला प्राचार्य विधु शेखर झा ने बताया कि सोमवार को सेल्फी विद पेरेंट्स का आयोजन किया गया जिसमें बच्चे काफी उत्साहित नजर आए। उन्होंने बताया कि समर कैंप में सभी विषय में शिक्षक भी अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। शहर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन रविवार को कथावाचक प्रेम नारायण शर्मा ने रविवार को ध्रुव चरित्र, भक्त प्रहलाद चरित्र और नरसिंह अवतार प्रसंग पर कथा सुनाई। कथावाचक ने कहा कि सभी अपने बच्चों को भक्त प्रहलाद जैसे संस्कार जरूर दें जिससे वह बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा करें, गो सेवा, साधु की सेवा कर सके। कथा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण मौजूद रहे। अंत में आरती कर प्रसाद वितरण भी हुआ। जगदलपुर नगर निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल का स्थानांतरण महाप्रबंधक आरडीए रायपुर के पद पर हो गया है। उनके स्थान पर अब नगर निगम आयुक्त का दायित्व वर्तमान एसडीएम दिनेश नाग को सौंपा गया है। स्थानीय दलपसागर में शनिवार को स्वच्छता एम्बेसडर्स, युवोदय और इंद्रावती बचाव अभियान के सदस्यों द्वारा उनके लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित कर आयुक्त प्रेम कुमार पटेल को विदाई दी गई। वहीं नए दायित्व पर पदस्थ वर्तमान एसडीएम दिनेश नाग का स्वागत भी किया गया। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए निर्वर्तमान आयुक्त ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। बिल्कुल, आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व 1 जून 2020 को जब पहला कोरोना केस शहर में आया था और पूरा विश्व है कोरोना की महामारी से जब गुजर रहा था, उस समय हमारी पदस्थापना हुई थी। कलेक्टर साहब भी उस समय नए नए आए थे और हम लोग भी, तो वो जो नए दो अधिकारी बड़े आए थे शहर के हिसाब से, और आप लोग जो जगदलपुर की जो पूरी जनता है, चाहे जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोगों ने शुरुआत में पूरा अपने आप को जैसे झोंक सकते हैं पूरे सबने लगाया और प्रशासन ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया। और उसके बाद से जब माहौल ठीक हुआ उसके बाद से डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने काम करना चालू किया कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में। आज जो जगदलपुर दिख रहा है उसमें निश्चित ही हमारे कलेक्टर सर, हमारे सांसद विधायक, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, महापौर, विपक्ष का भी काफ़ी अच्छा सहयोग रहा और बाकी जो जनता है उसका लगातार बीच बीच में विचार आते रहा। तो सभी चीज़ को लेकर, और जैसे हमारे कलेक्टर साहब जानते हैं कि साइकिल से सुबह दौरा करके पब्लिक से मिल के और उनसे फीडबैक लेके, तो वो बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण था और हम लोग बीच बीच में ऐसा इवेंट कर करके पब्लिक फीडबैक लेते रहे। और जो भी हम लोगों ने शहर में काम किया, गढ़बोनवा जगदलपुर जो कॉन्सेप्ट बनाया थे उसके तहत न केवल नगर निगम, इसके अलावा PWD, ENDM, RES और अन्य विभाग जैसे बिजली विभाग का बहुत योगदान है। सभी विभाग ने अपने हिसाब से जो शहर के विकास के लिए कर सकते थे कर रहे हैं। तो एक जो कड़ी बन गई थी उसमें पुलिस का ही बहुत बड़ा योगदान था, उसमें IG साहब, SP साहब का बहुत लगातार हमको सहयोग मिलता रहा। तो सभी के सहयोग से जो एक सहयोग बना था, क्योंकि जब कोरोना में जब हम लोग जब पूरा जो मानव समाज एक था, तो एक काम करने की जो भावना जो जागृत हुई थी उसी से
से हम लोगों ने एक ना छोटा सा चिंगारी पैदा की और शहर को जो जगदलपुर ऐतिहासिक 250 साल शहर है और जिस जगह में खड़े हैं वो सबसे ज़्यादा पुराना कोई अगर निशानी बची है 250 साल में तो वो निश्चित ही दलपत सागर है। ये शुरू से इसकी पहचान है 250 साल में, तो निश्चित ही इतने खूबसूरत ऐतिहासिक और माँ दंतेश्वरी की धरा को छोड़ते हुए निश्चित ही यहाँ से जाने में दुख है। लेकिन मुझे अच्छा इस बात का है कि जैसे हमारे अभी कलेक्टर साहब हैं, साथ में हमारे जो नए जो आयुक्त बन के आ रहे हैं एसडीएम साहब दिनेश नाग जी, वो यहाँ से लगभग 6 महीने परिचित हैं और मेरे साथ पहले भी दंतेवाड़ा उसमें नारायणपुर में 9 महीने वहाँ भी एसडीएम के रूप में कार्य किए हैं, तो उनकी मैं कार्यशैली और क्षमता से परिचित हूँ और एक अच्छे अधिकारी को दायित्व सौंप के जाते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। और वो भी हमारे प्रशासनिक सेवा के हैं, कर्मठ है मेरे जैसे ही बिल्कुल, और निश्चित ही वो उनके पास और भी विचार होंगे, जो हमने स्टार्ट किया वो तो है ही और उनके पास भी नए आइडियाज़ होंगे क्योंकि हर आदमी के पास अपनी खूबी होती है, तो निश्चित ही उसके साथ। और मैं उनसे अपील भी करूँगा कि हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उनसे ही, कोई जैसे शहर है वो कोई वीरान जगह नहीं है, वो व्यक्ति और जो समाज के लोग और शहर के लोग होते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं क्योंकि ये संभाग मुख्यालय है, टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से इंटरनेशनल लेवल के लोग भी यहाँ आए हैं, तो सभी को हमको समझ के उनके सहयोग से उनकी आवश्यकता को देखते हुए आगे और बढ़ेंगे और शहर को जैसे जगदलपुर की जो पहचान है और नए आयाम के साथ निश्चित ही आगे आने वाले समय में, और क्योंकि हम नए जैसे मेरा ट्रांसफर नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में हुआ है तो वहाँ रहकर भी अगर जगदलपुर शहर के लिए कुछ और भविष्य में करने की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, निश्चित ही जो छोटा छोटा कार्य कर सकते हैं वो मेरी तरफ से योगदान करने का मैं प्रयास करूँगा। महाराष्ट्र के गोंदिया में आयोजित यूसी मास की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शहर के ऋत्विक वेलपुरी ने 200 में से 200 सवालों के सही जवाब देकर सबसे बड़ी चैंपियन ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। शहर के यूसी मास अब सेल्यूट एबेकैस सेंटर में शिक्षा प्राप्त कर रहे यूसी मास के इन विद्यार्थियों में देवराज हेमला को चैंपियन, कृष्णा हेमला, डी अर्णव आदित्य को फर्स्ट रनर अप का पुरस्कार मिला और संस्कार वैद, वंशिका सतपति ने सेकेंड रनर अप की ट्रॉफी हासिल की। वहीं वृद्धि पिल्लई, संस्कार सिंह और रौनक जोशी ने फोर्थ रनर अप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। यूसी मास अपसल्यूट अबकैस जगदलपुर की यूनिट फ्रेंचाइजी तृप्ति परिडा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में विद्यार्थी अपना मेंटल, अर्थमेटिक और गणित के सवालों को हल करने में अव्वल रहे। विद्यार्थियों से पूछे गए 200 प्रश्नों में जोड़ घटाव गुणा भाग शामिल था। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष यूसी मास की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन गोंदिया महाराष्ट्र में होता है, जिसमें विद्यार्थियों की कठिन मेहनत का मूल्यांकन प्रतियोगिता के आधार पर होता है। इस वर्ष भी शहर के बच्चों ने अपनी अद्भुत प्रतिभा दिखाई। विगत 8 वर्षों से ज्योति टॉकीज रोड सिरासर के पास यूसीमा अबेकस सेंटर संचालित किया जा रहा है, जिसमें शहर के काफी सारे बच्चे आकर अबेकस सीखते हैं। बच्चे जो साल भर सीखते हैं उसका मूल्यांकन होता है राज्य स्तरीय और राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता के माध्यम से। इस बार ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी 7 और 8 मई को, जिसमें सेंटर के 15 बच्चों ने भाग लिया और 9 बच्चों ने विजेताओं की लिस्ट में अपनी जगह बनाई, जिसका पुरस्कार वितरण समारोह हुआ 22 मई को गोंदिया में, गोंदिया महाराष्ट्र में। सेंटर के ऋत्विक वेलपुरी ने फाउंडेशन मॉड्यूल में चैंपियन ऑफ चैंपियन की ट्रॉफी जो है वो अपने नाम की अपने जीती, जिसमें उसने 200 में 200 सम हल किए और सही हल किए और तब जाकर उसे ये ट्रॉफी हासिल हुई। यानी कि प्रतियोगिता आसान नहीं होती, काफ़ी कठिन होती है। यूसीमा अबेकस की बात करें तो बच्चों को यूसीमा अबेकस में काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चों का डेवलपमेंट किया जाता है, साथ में अबेकस के माध्यम से उनका संपूर्ण दिमाग का जो विकास है वो तेज़ होता है। बच्चों की एकाग्रता शक्ति, उनका मेमोरी पावर, देखकर याद रखने की क्षमता, सुनकर याद रखने की क्षमता, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से विकसित होती हैं। इसके साथ ही उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ता है, उनका रीजनिंग पावर बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये सारे फायदे मिलते हैं यूसी मास अबेकस के माध्यम से। मुझे लगता है बच्चों को सीखना चाहिए, पेरेंट्स को इसे सिखाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि इसका फ़ायदा
उन्हें सिर्फ गणित में नहीं मिलता। अक्सर पेरेंट्स सोचते हैं कि इसका फ़ायदा गणित में होता है, पर हम तो ये कहते हैं कि गणित तो उनको फ्री गिफ्ट है। इसका असली फायदे की अगर हम बात करें तो वो है उनका ब्रेन का डेवलपमेंट। राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन दोनों ब्रेन का बहुत अच्छा डेवलपमेंट इसके माध्यम से होता है। तो बच्चों को यूसिमास अबेकस ज्वाइन करवाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ गणित नहीं ओवरऑल सब्जेक्ट में उनका परफॉर्मेंस सुधर जाता है। जगदलपुर के स्थानीय मैदान में चल रहे महेश्वरी प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन समारोह शनिवार को संपन्न हुआ। पुरस्कार वितरण के दौरान पहले दीप प्रज्वलित कर भगवान महेश की पूजा अर्चना हुई। मुख्य अतिथियों में विधायक रिक्शन जैन, पूर्व विधायक संतोष पाफना, बस्तर जिला महेश्वरी सभा के अध्यक्ष गजेंद्र, अन्य पदाधिकारी और समाज के वरिष्ठ जनों और महिला मंडल की उपस्थिति में महेश्वरी प्रीमियर लीग का समापन हुआ। अतिथियों ने युवा संगठन के साथियों और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। अंपायर के रूप में सभी मैचों में करणदीप सग्गू और राकेश यादव की सक्रिय सहभागिता रही। महेश्वरी युवा संगठन द्वारा आयोजित रात्रिकालीन क्रिकेट मैच, जिसमें सीनियर क्रिकेट में 4 और जूनियर क्रिकेट में 4 टीमों ने भाग लिया। लीग में सबसे अधिक रन बनाकर ऑरेंज कप के विजेता रहे जयेश पनपालिया, सबसे अधिक विकेट लेकर पर्पल कैप के विजेता रहे पीयूष चांडक। लीग में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से ऑलराउंडर का प्रदर्शन कर मैन ऑफ द मैच सीरीज रहे। आप हमारे समाचारों को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आइए अब चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री के निर्देश को त्वरित अमल, संसदीय सचिव ने शैक्षणिक भ्रमण के लिए छात्रों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सरकार की प्राथमिकता, कहा विधायक रेखचंद जैन ने। पेयजल आपूर्ति करने के लिए 4 ग्राम पंचायतों में प्रदान किए गए पानी के टैंकर्स। बस्तर के समस्त प्राकृतिक जलकुंडों का होगा संवर्धन, कलेक्टर बंसल उपजन कुंड की विशालता देख अभिभूत हुए अधिकारी। ग्राम बालिकोंटा सरगीपाल और मार्केल के माता मेला मदई में शामिल हुए संसदीय सचिव की बस्तर के सुख शांति और समृद्धि की कामना। और अबेकस प्रतियोगिता में शहर के ऋत्विक ने जीता चैंपियन ऑफ चैंपियन की ट्रॉफी। मेंटल अर्थमेटिक और गणित के सवालों को बच्चों ने किया चुटकी में हल। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल आपसे होगी फिर मुलाकात कुछ और नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। We'll be right back.